स्थिति लग रही है आपको, क्योंकि जो कल घटनाक्रम हुआ वो सबके सामने है। समाज के लोगों में प्रस्तुति 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 का मतलब आरोपी नहीं पकड़े गए। आरोपी क्यों नहीं पकड़े गए? आरोपी वालों को सबको पता आरोपी कहाँ है। यदि प्रशासन चाहती है, यदि प्रशासन चाहे और भारत सरकार का कानून चाहता है तो मंदिर से और मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं हो तो एक मुस्लिम कैसे भाग सकता है यहाँ से? जो दिन भाड़ गोलियां अंदर घर के घुस में विश्वास मिले, अरे राजपूतों को सामने लेके मारो, युद्ध के लिए ललकारो, फिर हमारी तलवारों में थोड़ी जंग चढ़ी हुई है, हम लड़ेंगे उससे। लेकिन ये सरासर धोखा करके और प्रशासन की बात करते, कोई नहीं बच सकता है। मंदिर से चप्पल चोरी नहीं हो सकती है मंदिर से, तो फिर वो व्यक्ति कैसे भाग सकता है, कहां से भाग सकता है? ये भगाने की भी साजिश भी तो हो सकती है, ये भगाने की साजिश भी हो सकती है। और इस साजिश को ना तो छत्तीसगढ़, ना मध्य प्रदेश, ना हम इस प्रदेश में सरकार बनने देंगे। हमने एक ही चीज सीखा है, क्या प्रशासन इतना कमजोर हो गया, कि एक मुस्लिम गली गुप्ता से निकल के सेब चला जाए, कहीं कैसे चला जाएगा? ये शायद हो सकती सोची समझी साजिश हो, और सोची समझी साजिश प्रशासन की भी समझता हूँ और कानून की भी समझता हूँ। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, यदि राजपूत पे नहीं पूरे राष्ट्र पे हमला हुआ, भारत माता की, भारत माता की।